आप सभी भाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई Vivo T3 5G और Vivo Y200e 5G का कंपैरिजन लेकर आओ, क्योंकि इन दोनों की आप प्राइस देखोगे ना तो Vivo T3 की प्राइस है 20,000 रुपए और ऑफर वगैरह लगाकर ये 18,000 तक अभी आपको मिल रहा है ऑनलाइन, और जो Vivo Y200e है इसकी प्राइस है 21,000 में, 8128 की बात कर रहा हूँ, ये 6128 के अंदर आपको 20,000 के अंदर भी मिल जाएगा और इसके अंदर भी आपको 1,000 से 15,000 रुपए तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन, पर Vivo Y200e आपको ऑफलाइन ज्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही क्लियर करने वाले हैं कि क्या Vivo Y200e के हमें 1,000 एक्स्ट्रा देने चाहिए या फिर दोस्तों यहाँ पर 1,000 बचाकर या फिर Vivo T3 खरीदना चाहिए, पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर आपका कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के अंदर ना आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले लुक वाइज देखे ना दोनों को, तो T3 की डिजाइन आप देखोगे यहाँ पे पीछे प्लास्टिक दी गई है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि यार Vivo ने ना आपकी बार यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर कुछ कमाल नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेशली इतनी अच्छी डिजाइन नहीं लगी है यहाँ पे, मतलब इतना प्रीमियम फील नहीं होता है। हाँ कैमरा के मॉड्यूल्स वगैरह देखो ये सिंपल है, यहाँ पे जो कैमरा की साइड में आप देखोगे ऐसे लगता है ग्लास है, यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी, और जो फ्रेम है ये भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी, और Vivo Y200e के पीछे आपको लेदर की डिजाइन मिलती है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे दूध वगैरह यहाँ पे गिर भी जाता है तो ये गंदी नहीं होती है, और इसका कैमरा का मॉड्यूल वगैरह यहाँ पे काफी सिंपल है पर दोस्तों यहाँ पे काफी प्रीमियम लगता है, यानी कि हम दोनों को हाथ में लेके रखेंगे ना तो Vivo Y200e थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है, और Vivo Y200e की जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक की है पर ये थोड़ी सी ना यहाँ पे चमकती ज्यादा यानी कि शाइनी है, और यहाँ पे ना एकदम फ्लैट यानी कि हम हाथ के अंदर यहाँ पे लेके रखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे चुभता है Vivo Y200e, जबकि T3 की ग्रिप काफी अच्छी बनती है और यहाँ पे हाथ के अंदर काफी कंफर्टेबल फील होता है। तो देखिए डिजाइनिंग के मामले में तो आपको खुद को ही चूज करना पड़ेगा कि आपको लेदर की डिजाइन चाहिए या फिर आपको जो T3 की कुछ इस तरह की डिजाइन है ये चाहिए। स्पेशली मुझे बताऊं कि यार मुझे कौन सी अच्छी लगी, तो मुझे Vivo Y200e की डिजाइन थोड़ी ज्यादा बेटर लगी, और दोनों के आप पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे ना दोनों को आपके राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, नीचे की साइड में आपको स्पीकर, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक के नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है, और यहाँ पे दोनों के अंदर आप या तो दो सिम कार्ड डालो या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं, और ऊपर की साइड में दोनों के आपको नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है, और दोनों का अगर आप वेट देखोगे ना तो दोनों के वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही आपको यहाँ पे 190 ग्राम के आसपास में मिलते हैं, तो दोनों का वेट लगभग सेम है, जबकि दोनों के अंदर ना 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, तो यार वेट के हिसाब से देखोगे ना तो यार काफी हल्के महसूस होते हैं, और जो 5,000 mAh की बैटरी है दोस्तों वो ना आपके पूरे दिन आराम से निकाल देती है दोनों के अंदर ही, और जो चार्जर है ना वो भी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है 44 वाट का है, तो चार्जर और बैटरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और जो फिंगरप्रिंट है वो आपको दोनों के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिलेगा, और अगर डिस्प्ले को देखोगे ना तो दोनों के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है दोनों के अंदर ही, दोनों के अंदर ही आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, और दोनों के अंदर दोस्तों आपको 1800 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और दोस्तों हमने इन दोनों को ना धूप के अंदर ट्राई किया तो वहां पर क्या हुआ ना कि यार Vivo Y200e की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट निकल कर आई Vivo T3 से, और दोस्तों ब्राइटनेस तो यहाँ पे Y200e की ज्यादा है, पर अगर आप YouTube वगैरह पे कंटेंट देखोगे ना तो वहां पर ना यार Vivo T3 के अंदर आप 4K वगैरह के अंदर देख सकते हो, पर Vivo Y200e के अंदर आप 1080 के अंदर ही देख पाओगे, और नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR10+ वगैरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि Vivo T3 के अंदर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है, तो यार मैं यही कहूंगा कि यार डिस्प्ले भी Vivo T3 के अंदर बेटर है, क्योंकि दोनों की ब्राइटनेस में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ब्राइटनेस तो चलती है, पर दोस्तों मेन हम यहाँ पे ज्यादातर मूवीज वगैरह देखते हैं, कोई भी कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वो अच्छा होना चाहिए, वो यहाँ पे T3 के अंदर आपको बेटर मिलेगा। प्रोसेसर देखिए दोनों के अंदर, तो प्रोसेसर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि Vivo T3 के अंदर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7200 जो कि इस प्राइस के अंदर भाई साहब ये पहला प्रोसेसर है, और अगर इसका एंटूटू स्कोर वगैरह देखोगे ना आप 7,00,000+ एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा, और 4 नंबर बेस्ट अगर BGMI वगैरह खेलोगे तो आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम पर खेल सकते हो। Vivo Y200e के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 4 Gen 2, ये भी 4 नंबर बेस्ट है, पर इसका एंटूटू स्कोर वगैरह देखोगे आपको यहाँ पे 4,00,000+ देखने को मिलेगा, अगर इसके अंदर आप BGMI वगैरह खेलते हो तो दोस्तों आप स्मूथ एंड अल्ट्रा के ऊपर ही खेल पाओगे, यानी कि अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए क्योंकि दोस्तों अंडर 20 के ये बेस्ट स्मार्टफोन है गेमिंग के अंदर, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, आप हेवी टास्क के लिए यूज में लेना चाहते हो, तो मैं आपके लिए Vivo T3 ही सजेस्ट करूंगा। तो यार आपने देखा कि यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर तो यहाँ पे Y200e विनर है,
पर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर T3 विनर है और यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर भी है ना यहाँ पे T3 काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में कि कैमरा के अंदर कौन विनर निकलता है। तो दोनों के पीछे आप देखो ना यहाँ पे कैमरा के मॉड्यूल एकदम सेम बनाए गए हैं, दोनों के पीछे ऐसा लगता है तीन कैमराज है पर तीन कैमराज नहीं है, दोनों के अंदर ही आपको ना यहाँ पे दो ही कैमराज है। जो मेन कैमरा है वो दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे और एक कैमरा मिलता है जिसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है। और जो यहाँ पे तीसरी चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कैमरा के जैसा, वो कैमरा नहीं है, वो फ्लिकर सेंसर है, यानी कि जब भी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं यहाँ पे फ्लिकरिंग का इशू मिलता है, जो कि यहाँ पे इनकी वजह से आपको कोई भी फ्लिकरिंग वगैरह का इशू नहीं मिलेगा। और जो फ्रंट कैमरा है वो दोनों के अंदर ही आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। तो आपको पता होगा यार हम मेगापिक्सल वगैरह पे बिलीव नहीं रखते क्योंकि मेगापिक्सल तो दोनों में सेम है पर दोस्तों फोटोज में आपको ना काफी ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। तो हमने काफी सारी आपके लिए फोटोज क्लिक है जो कि आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि दोनों में से कैमरा किसका ज्यादा अच्छा। सबसे पहले दोस्तों अगर दोनों के अंदर हम सेल्फी के अंदर देखें तो ये देखिए हमने दोनों के अंदर ही पोर्ट्रेट के अंदर क्लिक की है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी हमारे चेहरे पर धूप थी तो यहाँ पे T3 के अंदर कुछ इस तरह की आई है और Vivo Y200e के अंदर देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी ना ब्लैक हो चुकी है। और ये सेम चीज अगर आप नॉर्मल कैमरा से यानी कि विदाउट पोर्ट्रेट के अंदर देखोगे, इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर ना Y200e के अंदर थोड़ी डिटेल्स बेटर मिल रही है जबकि यहाँ पे T3 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गोरा करने की ट्राई किया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ट्राई किया कि आप देख सकते हो हमारे पीछे सूरज है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर हमने ट्राई किया तो यहाँ पे T3 के अंदर ना भाई साहब काफी अच्छी फोटो आ जाती है जबकि सूरज वगैरह को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। पर Y200e के अंदर देखिए जैसे जूम करते हैं और यहाँ पे सूरज वगैरह का कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो यहाँ पे लाइट वगैरह ना सेल्फी के अंदर आप देख सकते हो T3 के अंदर यहाँ पे थोड़ी बेटर। और यहाँ भी देखोगे दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पीछे सूरज है तो यहाँ पे T3 के अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स मिल रही है, यहाँ पे सूरज वगैरह को ना काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते। और अगर ये सेम चीज आप बैक कैमरा से देखोगे ना तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे सूरज वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे स्किन वगैरह भी देखोगे T3 के अंदर यहाँ पे बेटर मिल रही है जबकि यहाँ पे Y200e के अंदर देखोगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का है। और T3 के अंदर एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे देखिए T3 के अंदर हम यहाँ पे 2x तक जूम कर सकते हैं जो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर ना Y200e के अंदर नहीं है। और दोस्तों ये फोटो देखिए इसके अंदर तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, देखिए हमारे पीछे सूरज था, हमने यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया पोर्ट्रेट के अंदर तो यहाँ पे देखिए Y200e के अंदर पूरा ब्लैक हो चुका है जबकि T3 के अंदर यहाँ पे काफी अच्छी डिटेल्स मिलती है, यहाँ पे सूरज वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है और Y200e के अंदर यहाँ पे पूरा सूरज के ऊपर फोकस हो चुका है ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ना लाइट वगैरह को आप देखोगे T3 काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और दोस्तों आप इस फोटो को देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं और एक इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर भी देखोगे T3 के अंदर जो डिटेल्स है वो बेटर देखने को मिलता है। और दोस्तों दोनों के अंदर यहाँ पे नॉर्मल कैमरा के अंदर 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आप देखोगे थोड़ा ब्लैक हो चुका है जबकि T3 के अंदर जैसे जूम करते देखिए जो डिटेल्स है काफी यहाँ पे सही मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल जूम है इसके अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हो फर्क दोनों के अंदर, बालों का कलर वगैरह देखोगे Y200e के अंदर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर भी देख सकते हो हमारे यहाँ पे धूप थी पर दोस्तों यहाँ पे T3 ने धूप वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है तो Y200e को थोड़ा जैसे ही जूम करते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा वाइट हो चुका है। तो पोर्ट्रेट के अंदर देखोगे दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक रेंज वगैरह ये देखिए T3 के अंदर आपको बेटर मिल रही है। और T3 के अंदर ये देखिए हमने यहाँ पे 2x जूम के अंदर क्लिक किया जो कि यहाँ पे Vivo Y200e के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है। और इस फोटो को देखिए दोस्तों बाहर से लाइट आ रही है तो यहाँ पे देखिए T3 के अंदर कुछ इस तरह की आई है और यहाँ पे Y200e के अंदर कुछ इस तरह की आई है और पीछे की जो चीज़ें वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर देता है T3 जबकि इसके अंदर पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है और स्किन भी यहाँ पे धुंधली हो चुकी है। और अगर दोनों के अंदर हम जूम देखें ना तो ये देखिए 1x के अंदर है और ये दोनों के अंदर ही 5x के अंदर और ये है दोनों के अंदर 10x के अंदर, तो दोनों के अंदर हम 10x तक ही जूम कर सकते हैं। तो जूम के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो T3 के अंदर थोड़ा सा नाम वगैरह आप देखोगे सही दिख रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप दोनों का कैमरा देखोगे ना तो यार दोस्तों मुझे यहाँ पे सच कहूँ तो यार यहाँ पे T3 का कैमरा थोड़ा बेटर नजर आया, ये देख सकते हो दोनों के अंदर आपने साइड बाय साइड देखा यहाँ पे T3 के अंदर काफी अच्छी फोटोज निकल कर आती है और यहाँ पर जो 2x पोर्ट्रेट वगैरह का ऑप्शन है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है जबकि Y200e के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो यार दोस्तों आपने फोटोज देखी, यहाँ पर भी यार Vivo T3 विनर निकल जाता है। और सिर्फ फोटोज ही नहीं दोस्तों, अगर वीडियो की भी बात करें ना तो Vivo T3 के अंदर हम 4K 30fps पर वीडियो बना सकते हैं जबकि Y200e के अंदर हम 1080 के अंदर ही वीडियो बना पाएंगे बैक कैमरा से। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे अगर आप बोके वगैरह के अंदर वीडियोस बनाना चाहो यानी कि पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह हो तो वो भी आप पर ना Vivo T3 के अंदर बना सकते हो पर Vivo Y200e के अंदर नहीं बना सकते। दोस्तों अगर आपको इन दोनों का अलग से कैमरा टेस्ट चाहिए फुल डिटेल के अंदर तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। पर उसके लिए दोस्तों यहाँ पे शर्त ये है कि इस वीडियो के ऊपर अगर 2000 लाइक्स हो जाएंगे
तो दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो यार मैंने इन दोनों के अंदर जो देखा वो मैंने आपको बता दिया है, अगर अभी भी आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको डिजाइन लेदर की चाहिए तो आप Vivo Y200e की तरफ जा सकते हो। डिस्प्ले अगर आपको अच्छी चाहिए तो वो Vivo T3 के अंदर है। प्रोसेसर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है Y200e से, और कैमरा के अंदर भी आपने देखा कि फोटोज काफी अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको 2x पोर्ट्रेट वगैरह का ऑप्शन मिलता है जो कि Y200e के अंदर नहीं है। ओवरऑल अगर देखोगे तो T3 विनर निकल जाता है, जबकि आपको ना इसके 1000 रुपए कम भी देने पड़ेंगे। तो आप 1000 रुपए बचा भी सकते हो और आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा खरीदा है, या फिर कौन सा खरीदने वाले हो, या फिर इन दोनों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही था, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।